चलिए अच्छी बात है। तो जितने सारे बच्चे देख रहे होंगे चैनल को देख रहे होंगे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो मिलने वाला है आपका इन फ्यूचर में वो आकर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ओके चलिए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले सारे बच्चे का स्वागत है। देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें वैल्यू और पॉलिनोमियल मैंने आपको जो समझाया था और जो क्लास नाइन्थ का ये आपका जो चैप्टर है वो आपका तो ये हो गया आपका नाइन्थ का है, ठीक है। तो इसमें क्या था, पॉलिनोमियल चैप्टर था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इस वाले में फर्स्ट जो क्लास था इसका कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पर मैंने आपको बोला भी था क्वेश्चन बना लेने के लिए, तो सारे बच्चे ने बनाया भी था। आगे इसके बाद जो रिमाइंडर थ्योरम है ना, वो एक्चुअली में क्या है उसके बाद मैं बताता हूँ एक एक करके। उसके बाद है फैक्टर थ्योरम, ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टर थ्योरम। तो अब यहां ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या है आपको कि फैक्टर थ्योरम तो हो गया, इसमें क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में, जैसे आपका एक एफ एक्स बराबर दे दिया यहां पर 3x² + 2x + -5 हो गया, ये आपका दे दिया इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल दे दिया। अब इस पॉलिनोमियल में क्या करते थे कि एफ वन बराबर अगर x की जगह पे 1 पुट करेगा तो कुछ मिलता था हमें 3 × 1² 2 × 1 - 5, ठीक है। यहां से क्या करते थे, यहां से 3 × 1 हो गया +2 हो गया -5 हो गया, यानी 3 + 2 - 5 यानी कि 5 - 5 = 0 हो गया। तो देखो यहां पर एफ वन पुट करने पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या हुआ, इक्वेशन हमारा क्या मिल गया, 0। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली ये जो वैल्यू आया है ना, ये रिमाइंडर आया है। और आपको शायद पता होगा बचपन में आप लोग डिवाइड देते थे तो रिमाइंडर क्या मिलता था, क्या मिल जाता था, 0। तो उसको क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते। जैसे अगर आपने 6 को 2 से डिवाइड किया तो आपका कोसेंट क्या मिला, कोसेंट क्या मिला 3, और रिमाइंडर क्या मिलता था, 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब ये क्या हो गया, 3 जो हो गया 6 का फैक्टर हो गया, ठीक है। 3 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब फैक्टर हो गया तो फिर उसके बाद हम क्या करते थे कि चलो रिमाइंडर तो 0 मिल ही गया मुझे, ये चीज जो आपको ये जो पॉलिनोमियल्स का जो हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम, इसमें क्या है कि अगर किसी वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारा 0 के बराबर जो मिलेगा ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको डिवाइड देके बताता हूं। हमने अभी आपको क्या बताया इसमें कि x बराबर क्या पुट किए थे, एक्स बराबर क्या था, 1 था। एक्स बराबर जब 1 हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, therefore x minus 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे आगे, आगे लिखेंगे now x minus 1 को डिवाइड देंगे किसमें, आपका fx क्या था 3x² + 2x था ना, -5 हो गया। तो क्या करेंगे, यहां पर तो आपने क्लास 8 में बनाया भी था इसको, तो यहां देखिए पावर कितना है इसका, 2 है, यहां मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तो x को लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि तो इसका अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x तो मिलेगा नहीं, x² लेकिन हमें 3 भी तो चाहिए, इसलिए क्या करेंगे यहां से 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 3x² 1 भी तो है यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -3x, क्या हो जाएगा माइनस, उधर इधर प्लस, चलो कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 × 5x - 5। देखो अब यहां x है, यहां भी x है, यहां 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां पर प्लस हमारा है इसलिए प्लस से करेंगे,
तो प्लस करने के बाद यहां वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से कि फाइव से, फाइव से, ध्यान नहीं है, ध्यान दीजिए, यहां फाइव से करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर फाइव है, समझ गए? यहां पर क्या है? फाइव है, तो फाइव से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो फाइव एक्स और माइनस फाइव मिलेगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस होगा, क्या मिल गया रिमाइंडर? जीरो मिल गया, आ गया जीरो, यानी एक तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, हो गया जीरो, इसलिए एक्स माइनस वन जो हो गया इज द फैक्टर, फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, समझ गए? ये हो गया, यानी वही चीज है, मैंने उसे बताया था ना कि आपको अगर रिमाइंडर थ्योरम ये वैल्यू पॉलीनोमियल पढ़ लोगे, उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ लोगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वही चीज है, बोला था कि नहीं बोला था? तो ये चीज हो गया, अब देखते हैं वैल्यू पॉलीनोमियल, वैल्यू पॉलीनोमियल क्या होगा, जैसे मान लिया जाए यहां पर अगर हम टू ले लेते हैं इसमें, तो यहां लिखेंगे कि हियर एफ एक्स बराबर हमारा अगर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव है, तो हम यहां पर अगर हम एफ टू पुट करें तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस फाइव, क्या मिलेगा यहां पर? यहां मिलेगा थ्री इंटू टू टू जा फोर, टू टू जा फोर माइनस फाइव हुआ, फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस फोर माइनस फाइव हुआ, कितना मिलेगा? ट्वेल्व फोर 16 माइनस फाइव इक्वल्स टू 11, यानी यहां हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 11 मिल जाएगा। अब हमें चाहिए वेरिफिकेशन, है ना, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? फॉर वेरिफिकेशन क्या करेंगे यहां पर? यहां पर हमारा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे कि सेंस x equals to 12, therefore x minus 3 equals to 0. Now x minus 2 divide 3x square plus 2x minus 5. ठीक है, क्या हो जाएगा फिर से? वही 3x, क्या मिलेगा? 3x square, यहाँ 3 2 जा minus 6x, क्या मिलेगा यहाँ पर? ये माइनस हो जाएगा, प्लस होगा, कैंसिल हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा? 6 टू 8 एक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो अब हम क्या किसे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 8 से, तो क्या मिलेगा? 8 एक्स, 8 टू जा 16 मिल गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, 6 में आ गया, कितना बच गया? 11, यानी रिमाइंडर कितना हो गया? 11। तो बच्चों आपने देखा ना कि आपको अगर आपको वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल निकालना हो तो आप इस मेथड से निकालो चाहे उस मेथड से निकालो, सबसे अच्छा होता है वो मेथड निकालना। ठीक है, लेकिन ये आपको मैंने क्यों बनाया, ये डिवीजन मेथड से था, तो ये जो हो गया आपको इस तरह से बनाने के लिए, आपने देखा था ना क्लास 8 में, तो ये मेथड जो हो गया, तो इस मेथड से निकालने के लिए हम इजी से समझ में आ जाता है कि हाँ, कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि हाँ सही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहां पर जो है ना फैक्टर थ्योरम से मालूम चलेगा कि वो फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से मालूम चलेगा कि वो फैक्टर है कि नहीं। क्वेश्चन पहले समझना, पहले आपसे पहले असाइनमेंट का टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि फैक्टर है कि नहीं, तो भैया आप इक्वेशन को जीरो के बराबर लाकर दिखाओ। ठीक है, ये हो गया, और दूसरा हो गया आपको कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल सॉरी रिमाइंडर निकालने के लिए, तो क्या करेंगे कि उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर हमारा वो हो जाएगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें ये मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन की, तो इसमें जरा क्वेश्चन के पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि यहां पर सबसे एक एग्जाम जैसे यहां पर दे रखा है एक्सरसाइज 2C है।
है, एक्सरसाइज हो गया आपका 2C हो गया यहाँ पर, और एक्सरसाइज 2C में इसमें आपका कौन सा है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में क्या है, आपको एक इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पर कि fx equals to x raised to power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b। जाहिर सी बात है, दिख गया प्रॉब्लम क्या है, a और b को निकालना, ठीक है। किसको निकालना है इसमें, a और b को निकालना है। जब a और b को निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें दो इक्वेशन पुट करवाएगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, इसलिए क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें दो इक्वेशन चाहिए। दोनों को सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड हो, जो भी मेथड हो, ऑलरेडी हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा सा इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स माइनस वन से, ठीक है। और यहां पर जो है कि जब इसको वेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, यानी इसमें डिवाइजर जो हो गया, पहला डिवाइजर जो है इसमें, इसमें हो गया फर्स्ट डिवाइजर, फर्स्ट डिवाइजर इसमें दे रखा है कितना है, एक्स माइनस वन है, और सेकेंड डिवाइजर जो हो गया वो आपका कितना है, एक्स प्लस वन है। तो इस केस में रिमाइंडर आता है आपको 5, और इस केस में रिमाइंडर आता है आपको 19। तो जाहिर सी बात है जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा ना, उसको हम 5 के बराबर इक्वेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 5 है, ठीक है, पहला इक्वेशन। और फिर उसके बाद जब इससे हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 19 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हम किसके इक्वेट कर देंगे, 19 के। तो आपने ऐसा नहीं किया होगा इसलिए दिक्कत हो गया होगा, है कि नहीं जी। तो यही चीज है इसमें। और फिर उसके बाद जब वैल्यू मिल जाएगा तो हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अच्छा, तो फिर जब a और b का वैल्यू निकाल लिया जाए, तब उसके बाद हम x माइनस 2 से फिर डिवाइड देना है। तो जब वैल्यू मिलेगा तब ना रिमाइंडर निकाल पाएंगे, तो पहले हम वैल्यू निकालते हैं, पहले काम क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले कि सिंस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। नाउ नाउ f क्या था, यहां पर f 1 हो गया, और यहां वैल्यू कितना है, x स्क्वायर है, तो 1 का पावर 4 हो गया, 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिलेगा, यहां पर 1 का पावर 1 है, सॉरी 1 टू द पावर 4 है, तो 1 ही मिलेगा। यहां क्या मिलेगा, 2, यहां क्या मिलेगा, 3, और यहां क्या मिलेगा, a प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया वैल्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4 में से 2 गया, 2 माइनस a प्लस बी। तो अब हमारा रिमाइंडर कितना आया था पहले वाले में कितना है, 5 है ना, तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, कोई दिक्कत, लिखेंगे ना, चलो ये हो गया। अब इसको भेज दीजिए इधर तरफ में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी हो गया, देयरफॉर क्या लिखिएगा, माइनस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा में हमारा किसे डिवाइड देना है, x प्लस 1 से, तो क्या लिखेंगे, नाउ
एक्स प्लस वन इज द अनदर डिवाइजर, अनदर डिवाइजर. सो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन. क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे देयरफॉर एफ माइनस वन इक्वल्स टू, क्या पुट होगा यहां पर, माइनस वन का होल पावर फोर, माइनस टू इंटू माइनस वन का क्यू, प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वेयर, और माइनस ए इंटू माइनस वन और प्लस बी. ठीक है, तो इसमें आपका रिमाइंडर क्या आया था, 19 आया था ना. चलिए तो इसका क्या वैल्यू आएगा, देखो इसका पावर जो है ना, डिग्री जो है वो इवन में है, तो वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव. ठीक है, वन हो गया, फिर यहां पर हो गया कितना, माइनस वन का पावर क्या है, ऑड है, निगेटिव आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया टू. अब देखो यहाँ पे प्लस थ्री है, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, थ्री, थ्री वन जा थ्री, और यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस बी. ठीक है, ये हो गया. अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमारा 19 हुआ, टू ये थ्री टू फाइव वन सिक्स प्लस ए प्लस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस सिक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी. तो देयरफॉर ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 13 सिक्स 19. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. देखो पहले वाले इक्वेशन में क्या था, माइनस ए प्लस था, है ना. आ गया देखो ऊपर, यहां पर आपका क्या है, माइनस ए है ना, है कि नहीं है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अपने आप ए जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा. इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड. ठीक है, इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं. तो क्या करेंगे, हम इसे जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू बी गेट क्या, टू बी ए कैंसिल हो जाएगा, और उसमें कितना वैल्यू था, कितना था, थ्री था ना, तो थ्री प्लस 13 हो गया. ठीक है, तो यहां पर कितना मिल गया, टू बी इक्वल्स टू 16, देयरफॉर बी इक्वल्स टू 8 हो गया. ठीक है, अब आप फर्स्ट और सेकंड में से किसी को यूटिलाइज कर लीजिए, यूज कर लीजिए, आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा. क्या करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बी गेट क्या, माइनस ए था प्लस बी, तो बी के जगह पर ए बराबर कितना था, थ्री. चलो तो क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, एट माइनस थ्री बराबर ए, इसलिए ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए बराबर फाइव. ठीक है, इसलिए दस हमारा इक्वेशन हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स रेस टू पावर फोर, है ना, एक्स रेस टू पावर फोर हो गया, माइनस टू एक्स क्यूब हुआ, प्लस टू एक्स सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर हुआ, और माइनस ए एक्स है, ए कितना है, फाइव एक्स हो गया, और प्लस बी कितना आया था, एट, ये हमारा हो गया एट. ठीक है, दोनों का वैल्यू आराम से यहां पर मेंशन भी हो गया, फाइव और दूसरा एट हो गया, कोई दिक्कत. चलिए तो ये तो समझ में आ गया इसमें. अब एक और है, लास्ट है, कि आपको फिर रिमाइंडर निकालना है एक्स माइनस टू से जब डिवाइड देंगे तब. ठीक है, तो लिखेंगे
कि नाउ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू. सो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू टू. हो गया. अब क्या करेंगे. देयरफॉर एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, टू रेस टू पावर फोर माइनस टू इंटू टू क्यूब प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स. टू रेस टू पावर फोर मीन्स टू टू जा फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन प्लस सॉरी माइनस टू क्यूब मीन्स एट, एट टू जा सिक्सटीन. Here, 2 to the 4, 3 to the 12, 5 to the 10 plus 16, sorry 6, 16, 16, cancel, here you will get 12, 6, 18, 18, 10 goes, you will get 8, therefore F2 barabar 8, hence रिमाइंडर इक्वल्स टू एट. हेयर यहाँ कितना था ऊपर में, एट था. ओ सॉरी गलती हो गया, जाने दिया था. अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ है लिखा जाएगा एट हो गया. और फिर उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपका एट हुआ तो कितना हो जाएगा, टेन वैल्यू मिल जाएगा इसका. यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टेन ट्वेल्व और एट ट्वेंटी हो गया, बीस में से दस जाएगा, दस हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसे मन चलते ये था आपका फैक्टर थ्योरम था और रिमाइंडर थ्योरम था. इसमें किसी को डाउट कुछ भी, आपको क्वेश्चन सब बन जाएगा आराम से. चलिए नोट डाउन करते चलिए एक एक करके. इसको मत लिखिएगा.